दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सोमो सेट। दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं MID कंपनी का इलेक्ट्रिक गीजर। तो इस गीजर को किस टाइप से चेक करना है, किस टाइप से ठीक करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई भी जानकारी आपसे इस गीजर के बारे में मिस ना हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों सीरीज के अंदर हम चेक करेंगे, तो ये है हमारी सीरीज की लीड और हमने लगा दिया है टेस्टिंग बोर्ड में। यहाँ पर सप्लाई हमारी आ रही है, तो यहाँ पर ये मेन प्लग है हमारे गीजर का। ये देखिए न्यूट्रल फेज पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, अर्थिंग से भी यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यानी कि अर्थिंग तो नहीं है। और यहाँ पर पाइप के ऊपर अर्थिंग बिल्कुल प्रॉपर कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंटिन्यूटी इसमें नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों गीजर को हमें खोल कर ही चेक करना पड़ेगा। खोलने से पहले गीजर का मॉडल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग के साथ ये गीजर मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार रेटिंग और 15 लीटर का गीजर है। बहुत ही कमाल का है, 2000 वाट इसका, ए प्रोडक्ट ऑफ कैरियर MIDA। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का गीजर है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों डिजिटल कंट्रोल यहाँ पर लिखा हुआ है, डिजिटल कंट्रोल इसका पैनल यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ है, प्लस माइनस इसका टेम्परेचर सेटिंग। बाकी दोस्तों इसको तो हमें खोल कर ही चेक करना पड़ेगा क्या सिस्टम है, कैसा क्या है। यहाँ पर 4 स्क्रू हैं इसमें, 2 स्क्रू नीचे की तरफ है, इनको खोल लेते हैं फटाफट से। 2 स्क्रू हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो चारों स्क्रू खोल दिए, इसके बाद में पूरा पैनल है जो नीचे वाला ये निकल जाएगा। ये देखिए इसको आराम से निकालना है आपको, क्योंकि इसमें जो थर्मोस्टेट के पाइप वगैरह होते हैं जो कि कैपिलरी पाइप टाइप के। और इसके बाद में हम एक बार इसका जो एलिमेंट है उसको टेस्ट करेंगे। तो जो एलिमेंट लगा हुआ है ये देखिए हीटिंग एलिमेंट, इसको डायरेक्टली सीरीज से चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बिल्कुल दे रहा है, अर्थिंग बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि इसका एलिमेंट तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज टेस्टिंग को हटाते हैं और अब यहाँ पर दोस्तों एक PCB नज़र आएगी आपको, यहाँ पर दोस्तों इसमें PCB को खोलेंगे। सबसे पहले इसमें 4 स्क्रू हैं, तो PCB को खोलकर बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये तो काफ़ी झमेला है, डिजिटल कंट्रोल है, तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये पैनल की जो जिक है इसको निकाल देंगे, जो इसमें जो हमारा पैनल लगा हुआ है कंट्रोल के लिए। उसके बाद में 2 वायर की जिक है दोस्तों, ये देखिए जो कि हमारा हीटिंग सेंसर लगा हुआ है इसमें, जो हीट को सेंस करता है। और ये 2 वायर हमारे ये ब्लू वाला न्यूट्रल का लगा हुआ है, ये देखिए जो कि हाई कट से आ रहा है, उसको भी निकाल दिया हमने। और रिले के ऊपर 2 वायर लगे हुए हैं, सभी वायर थिम्बल से लग रहे हैं, आराम से निकल जाएंगे। तो ये देखिए PCB बिल्कुल हमने अलग कर दिया है, बिल्कुल मॉइस्चर वगैरह से ये ख़राब हो गई है, बहुत ही इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। एक बार अंदर काफ़ी जंग भी लगा हुआ है, पैनल के अंदर भी बहुत बुरा हाल है, मैंने इसको देख चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए जो सेंसर है हीटिंग का उसको हम निकाल देंगे, ये देखिए दोनों निकाल दिया मैंने, हाई कट वाला भी और ये हमारा PCB वाला हीटिंग सेंसर। चलिए इसको रखते हैं, इसका कोई वर्क नहीं है, हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, PCB को रिपेयर वगैरह चेक वगैरह कुछ नहीं करेंगे। पैनल भी यहाँ से दोस्तों ये देखिए पूरा जो पैनल है देख पा रहे हैं, इसको नहीं खोलेंगे हम, और इसको रिपेयर भी नहीं करने वाले ना चेक करने वाले, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लग जाएगा और प्रॉपर इसमें इसका स्पेयर भी नहीं मिल पाएगा। इसका हम यूज़ करेंगे, ये हाई कट है। अब क्या करना है हमें, ये 3-पिन टॉप है हमारे गीजर का, इसको लगाएंगे सीरीज के अंदर। और जो हमारे रेड रेड वायर हैं जो हमारे प्लेट जो PCB में से हटे हैं रिले के ऊपर से, उसको टच करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूटी आएगी। ये देखिए जैसे ये कनेक्ट होता है कंटिन्यूटी आती है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो यानी कि इसमें हमें ऑटो कट थर्मोस्टेट लगाना पड़ेगा। तो उसको कैसे लगाएंगे, कैसा ऑटो कट लगाना है, कैसे, तो ये आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है, वीडियो पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप की नॉलेजफुल वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। ये आ चुका है हमारा ऑटो कट थर्मोस्टेट, जो कि गैस वाला है, देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है, नोब वाला है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको ध्यान से देखना है। और लगभग आपको ये 300 से 400 रुपये के समथिंग आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर PCB की जगह पर इसको लगाकर सेट करेंगे। यहाँ पर एक होल भी दिया हुआ है, तो हम इसको इसी होल में लगाकर इसकी मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ पर लगाकर अंदर की तरफ सेट कर देंगे। तो सेट करने के लिए दोस्तों ये देखिए ग्रीस का हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों जो इसमें स्क्रू लगने वाले हैं उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया है, और ऊपर से इसको लगाकर इसकी मार्किंग ले लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मार्किंग आ चुकी है दोनों स्क्रू के, होल कर लेंगे यहाँ पर फटाफट से। ये हमारे होल होने के बाद में हम इसको लगा देंगे,
दोनों होल हमारे हो चुके हैं। तो अंदर से डालेंगे हम इसको, ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ से लगाएंगे और आगे से इसके दोनों स्क्रू लगा देंगे, दोनों स्क्रू टाइट कर देंगे। ये देखिए काफ़ी आसानी से लगकर सेट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें बिल्कुल भी। अब यहाँ पर दोस्तों नॉब की ज़रूरत पड़ेगी, तो ख़राब रेगुलेटर मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि कूलर का 2000 वाट का ख़राब रेगुलेटर है, उसका नॉब इसमें लगाएंगे, स्क्रू भी ढक जाएंगे, चौड़ा है नीचे की तरफ से और ये बिल्कुल इसमें प्रॉपर सेट आएगा आराम से। इसको बिल्कुल जीरो पर कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे, ऑफ कंडीशन पर मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम ऑफ। तो ये ऑफ हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये मार्किंग कर दिया है ऑफ के लिए। इसको यहाँ पर दोस्तों फुल पर करेंगे, ये देखिए फुल के ऊपर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे फुल। ये फुल हो गया है। इसके बाद में दोस्तों इसको मीडियम करेंगे बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पर हम मीडियम लिख देंगे, मैंने MID लिख दिया है। ये ऑफ हो गया है। अब इसमें हमें इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे, उसके लिए इंडिकेटर के दो होल करेंगे यहाँ पर साइड साइड में, यहाँ पर बेस्ट रहेगा, नीचे की तरफ अच्छे से दिखाई भी देंगे इंडिकेटर। तो एक होल हमने यहाँ पर कर दिया है और एक होल हम इसी की तरह यहाँ पर कर देंगे दोनों कॉर्नर पे। और ये हमारे इंडिकेटर दोस्तों, ये देखिए ये हमारी LED का यूज करेंगे हम इसमें। और ये है हमारी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100K और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेंगे। दो LED इंडिकेटर ले लिए हमने, जो क्लियर वाला है वो हमारा रेड जलेगा और ग्रीन वाला ग्रीन जलेगा। किसी भी लेग पर कैसे भी आपको रेजिस्टेंस लगा लेना है, इस टाइप से सोल्डिंग भी कर सकते हैं आप। बाकी मैं यहाँ पर सोल्डिंग नहीं किया है। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ग्रीन वाले के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस को लगा दिया है, किसी भी लेग पर कैसे भी आप लगा सकते हैं। और ये हमने वायर के टुकड़े ले लिए हैं दोस्तों, ये देखिए, और इसमें डाल लेंगे दोस्तों 3 mm का PVC वाला स्लीव। तो स्लीव के दो टुकड़े थोड़े लंबे लगभग 1.5 inch और दो रखने हमको 2 inch के, और यहाँ पर डाल लेंगे ये देखिए चारों वायर के अंदर हमने ये PVC स्लीव जो 3 mm के हमने लगा लिए हैं। इसको लगाने के बाद में दोस्तों ये देखिए ब्लैक वायर को हम लगा रहे हैं डायरेक्ट, कैसे भी लगा सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ब्लैक को मैंने डायरेक्ट LED पर लगाया है, रेड को हमने रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया है, ऊपर से स्लीव को चढ़ा दिया है। तो ग्रीन वाला इंडिकेटर तैयार हो गया है। इसके बाद में रेड के ऊपर भी हम ये देखिए दोनों कनेक्शन लगा देंगे वायर के, और ये हमारा ये दोनों इंडिकेटर तैयार हो गए हैं। तो इसको हीट करके स्लीव को बिल्कुल फिक्स कर देंगे, ये इधर उधर सरकेगी नहीं और इसमें मॉइस्चर भी नहीं जाएगा, बिल्कुल ये सील हो जाएंगे जॉइंट हमारे। ये देखिए बिल्कुल सोल्डिंग से भी अच्छा वर्क हो गया है। तो दोनों इंडिकेटर हमारे तैयार हो चुके हैं, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको लीड को बीच में से कट कर लेंगे और यहाँ पे वायर को छील लेंगे और इंडिकेटर को जलाकर चेक करेंगे। ब्लैक ब्लैक एक जगह कर दिए हैं दोनों के वायर, और रेड रेड यहाँ पर एक जगह कर दिए हैं टेस्टिंग के लिए, और यहाँ पर सीरीज के अंदर लगाकर चेक करेंगे। तो ये देखिए सीरीज में लगाने के बाद में ये देखिए रेड दिख पा रहे हैं, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बाकी बहुत ही अच्छे जल रहे हैं। ये देखिए अंधेरे में बहुत ही अच्छे जल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेड और ग्रीन दोनों इंडिकेटर हमारे फर्स्ट क्लास वर्क करेंगे। तो यहाँ पर चलिए दोनों को लगा देते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर हम यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड पर लगा रहे हैं रेड वाला, और ग्रीन वाला हम लगाएंगे राइट हैंड पर। तो ग्रीन वाला हमारा पावर का रहेगा मेंस का, और रेड हम रखेंगे कट ऑफ पर। तो ये देखिए जो हमारा एलिमेंट से, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट से जो वायर आ रहा है थिम्बल वाला, उसके साथ हमने रेड वाला जो इंडिकेटर है उसका रेड वायर यहाँ पर लगा दिया है, थिम्बल के अंदर सेट कर दिया है लगाकर। और दूसरा वाला जो वायर है हमारा ग्रीन इंडिकेटर का, वो लगाएंगे हम जो हमारा हाई कट से रेड वाला थिम्बल वाला वायर आ रहा है, जो कि हमारे दोनों वायर पे लगाए हैं हमने, जो कि हमने PCB से निकाले थे रिले के ऊपर से। तो इसको यहाँ पर लगा दिया है हमने, ग्रीन वाले इंडिकेटर को हाई कट के ऊपर लगा दिया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए जो ब्लैक वायर हैं दोनों, इसको हम लगाएंगे ब्लू वाले वायर के ऊपर, जो कि हमारा थिम्बल हमने निकाला था PCB से, उसी के ऊपर दोनों ब्लैक वायर लगा दिए इंडिकेटर के। इसको टेप कर देंगे यहाँ पर, ये हमारे न्यूट्रल रहेगा दोनों इंडिकेटर के अंदर। तो चलिए
अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए जो हमारा हीटिंग जो थर्मोस्टेट है इसके पाइप को इसको इस टाइप से सीधा करना है, डायरेक्ट नहीं खींचना है क्योंकि इसमें पाइप होता है जैसा कि हमारा फ्रिज के पीछे की तरफ होता है कैपलरी, इसमें गैस होता है तो इसको इस टाइप से सीधा करना है आपको, बिल्कुल डायरेक्ट जल्दबाजी नहीं करनी है वरना ये ख़राब हो जाएगा। इसको डालेंगे और इसके बाद में हाई कट वाला जो पाइप है इसको भी डाल देंगे इसके पीछे, और ये देखिए दोनों एक साथ नहीं जा पाएंगे, इनको आगे पीछे रखना है। तो ये देखिए दोनों को पूरा अंदर डाल देंगे जितना अंदर जाता है ये, तो दोनों का जो वायर है बिल्कुल सीधा करके डालना है और यहाँ पर इसको होल्ड कर देंगे, ये पत्ती के अंदर इसको लॉक कर देंगे ताकि बाहर नहीं निकलेंगे ये हमारे। अब करेंगे कनेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए दोनों थिम्बल हमारा जो ऑटो कट हमने लगाया है नए वाला उसके ऊपर लगा देंगे थिम्बल से, बिल्कुल इसमें वायर वगैरह जोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा है और दोनों कनेक्शन हमारे बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से लग गए हैं। तो पैक करने से पहले एक बार इसको चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये रेड और हमारा ग्रीन इंडिकेटर दोनों लग चुके हैं और सीरीज के अंदर हमने लगा दिया है, मेंस का इंडिकेटर आ गया है और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे सीरीज का बल्ब ग्लो कर गया ये देख पा रहे हैं, और डायरेक्ट इसमें सप्लाई देंगे उसी टाइम हमारा रेड इंडिकेटर जल जाएगा, देख पा रहे हैं डायरेक्ट सप्लाई हम इसमें दे दिया है, रेड इंडिकेटर आ गया है। ज़्यादा देर हम इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है तो सूखा चला नहीं सकते एलिमेंट को। तो चलिए इसको पैक करते हैं, नीचे की तरफ मेन लीड को लगाएंगे पहले और ऊपर की तरफ पूरा पैनल लगाकर सेट कर देंगे और दोनों स्क्रू नीचे से इसके लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर लीड भी लॉक हो जाएगा, लीड खींचेगा नहीं, और दो स्क्रू हमारे यहाँ पर लगने वाले हैं ऊपर की तरफ। तो सभी स्क्रू लग गए हैं, पीसीबी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क करेगा, पैनल वगैरह कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको फाइनल टेस्टिंग से पहले एक बार अर्थिंग वगैरह ज़रूर चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी वगैरह अलग से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन लीड को हमने रख लिया है और ये हमने लगा दिया है टेस्टिंग लीड, और गीजर हमारा ऑन है थर्मोस्टेट से, ये कंटिन्यूटी आ चुकी है, अर्थिंग वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लग को लगाकर भी चेक कर लेंगे एक बार, प्लग को लगाएंगे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में और यहाँ पर ऑन करेंगे, ये देखिए इंडिकेटर आ गया है और ये हमारा रेड इंडिकेटर भी आ गया है और ग्रीन भी आ रहा है। जैसे ही ऑटो कट होगा गीजर तो रेड इंडिकेटर हमारा बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह के गीजर को आपको कभी भी फुल पर नहीं चलाना है, मीडियम और फुल के बीच में चलाना है वरना गीजर हाई कट हो जाएगा और गीजर डेड हो जाएगा। दोस्तों गीजर हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है और बिल्कुल ये मैनुअल जो ऑटो कट है इसका फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, इसके डिजिटल जो कंट्रोल है उसकी कोई जरूरत नहीं है, गीजर बिल्कुल हमारा नए की तरह चलेगा, बिल्कुल कट ऑफ भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से होगा, टेम्परेचर का कंट्रोल भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से करेगा। ठीक है, जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।